विजयनगर सीट से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही है। शनिवार को बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में ईडी की विशेष कोर्ट ने देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कथित कोयला लेवी घोटाले के संबंध में ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि हमने कोयला लेवी में जबरन वसूली के माध्यम से अर्जित धन के संबंध में शिकायत दर्ज की थी। हमने पहली और दूसरी अनुपूरक भी दायर की थी। सभी आरोपियों को अदालत ने तलब किया था। एक आरोपी देवेंद्र यादव ने अंतरिम जमानत याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया है। सुनवाई की अगली तारीख 2 मार्च है। जो कोल कार्टल से जो लेवी कोल लेवी में पैसा कमाया गया एक्सटॉर्शन करके, उससे रिलेटेड प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फर्स्ट हमने फाइल की थी, फिर फर्स्ट सप्लीमेंट्री और सेकंड सप्लीमेंट्री भी हमने फाइल करी। तो जो सेकंड सप्लीमेंट्री में जो कुछ अभियुक्तगण थे और जो पुराने वाले जो चार्जशीट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट थी उसमें जो अभियुक्तगण थे, सभी को कोर्ट से समन जारी किया गया था उपस्थित होने के लिए। तो कुछ लोगों के जो समन है वो तामील होके आए, कुछ लोगों के समन जो है वो तामील नहीं होके आए। तो जिनके समन तामील नहीं होके आए हैं उनका तो फिर से समन जारी किया गया, लेकिन जिनके समन तामील हो गए थे और वो लोग उपस्थित नहीं हुए हैं तो उनको 500-500 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है माननीय न्यायालय ने। साथ ही साथ कोल वाले जो स्कैम है उसमें रिलेटेड है कि उस पर्सन मिस्टर देवेंद्र सिंह यादव जो हैं उनके तरफ से आज माननीय न्यायालय के समक्ष अंतरिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी और उस पर सुनवाई हुई और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय ने उनकी जो है अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आज जेल में बंद सभी आरोपियों की उपस्थिति तारीख तो थी और चूंकि अभी उनकी तरफ से कोई उपस्थित जो है, तीन लोगों को छोड़ के कोई उपस्थित नहीं, बाकी सब लोग उपस्थित रहे, सौम्या चौरसिया, रानू साहू और निखिल चंद्राकर को छोड़ करके बाकी सारे लोग उपस्थित थे आज माननीय न्यायालय के समक्ष। और इन तीन की तरफ से जेल के डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट आया है कि इनके शरीर में कहीं दर्द है, इसलिए इनको नहीं लाया गया है। अब आगामी तिथि पर इनको प्रस्तुत किया जाएगा। आगामी तिथि 2 मार्च 2024 नियत की गई है।